और बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस को मिली एक कामयाबी के साथ, एक मर्डर मिस्ट्री को दिल्ली पुलिस ने सुलझाया है। हत्या के आरोपी आफताब अमीन को गिरफ्तार किया है दिल्ली पुलिस ने। आफताब अमीन पर लिव इन में रह रही 26 साल की श्रद्धा की हत्या का आरोप है। आपको पूरी क्राइम कुंडली समझाते हैं और जो वारदात हुई है उसके बारे में जानकारी देते हैं। दरअसल दिल्ली के मेहरोली इलाके में श्रद्धा, जिसकी उम्र 26 साल थी, उसकी हत्या कर दी गई थी। फिर शव के टुकड़े टुकड़े करके उसे अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया। इन्हें तलाशने की कोशिश लगातार की जा रही है। आफताब ने पुलिस को बताया कि श्रद्धा उस पर शादी का दबाव बना रही थी और इस वजह से उसने 5 महीने पहले श्रद्धा की हत्या कर दी। पीड़ित परिवार वालों ने बताया कि उनकी बेटी महाराष्ट्र में रहती थी, यहां उसकी दोस्ती आफताब अमीन से हो गई, जिसके बाद वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे, दोनों साथ रहने लगे। इसका परिवार ने विरोध भी किया, बावजूद इसके दोनों भागकर दिल्ली आ गए और यहां आरोपी आफताब ने उनकी बेटी श्रद्धा की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस श्रद्धा के शव के टुकड़ों की तलाश कर रही है। आप सोचिए, 5 महीने पहले हत्या हुई, 5 महीने बाद हत्याकांड का खुलासा और शव के टुकड़े, अब भी तलाशने की कोशिश पुलिस की ओर से की जा रही है। और सबसे बड़ी कामयाबी ये कि आरोपी आफताब अमीन अब पुलिस की गिरफ्त में है। देखना यह होगा कि इस मामले की कैसे कैसे और परतें खुलती हैं। वजह सामने आ चुकी है कि हत्या की वजह यह थी कि श्रद्धा जिस लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, उस पर शादी का दबाव बना रही थी और इस बात पर आफताब ने न केवल उसकी हत्या की बल्कि उसके शव के टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग इलाकों में फेंक दिए।